ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया प्रकार सामने आने के बाद दुनिया भर के लोग इसे लेकर परेशान हो गए। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल हेल्थ केयर फिटनेस क्लब डॉक्टर टॉप चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कोरोना की न्यू स्ट्रेन के बारे में। बहुत से लोग कन्फ्यूज हैं और लोगों को डाउट है कि ये कोरोना का न्यू स्ट्रेन है क्या। तो दोस्तों, मैं आप इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा। और दोस्तों, COVID-19 की वैक्सीन लगवाते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों, COVID-19 का जो न्यू स्ट्रेन है एक्चुअली है क्या, जब कोरोना वायरस एक ह्यूमन बॉडी से दूसरी ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफर होता है तो इसके बहुत से रेप्लिकास बनते हैं, बहुत से कॉपी बनते हैं जो एक्चुअली COVID-19 वायरस से अलग होते हैं। मतलब इसके अंदर बहुत सा म्यूटेशन होते हैं जिसमें काफ़ी चेंजेस होते हैं, इसलिए इसका जब भी वो इन्फेक्शन दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र होता है तो उसकी इन्फेक्शन रेट बढ़ जाती है, इसलिए इसको पकड़ पाना बड़ा मुश्किल हो पाता है। इसलिए ये चिंताजनक बात है। और ये इसका इन्फेक्शन रेट भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, किसी पर्सन में इसका इन्फेक्शन रेट ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। ये सारा कुछ इम्यूनिटी पावर पर डेवलप होता है। जिसकी इम्यूनिटी अच्छी होगी उस पर उसका असर इतना नहीं हो पाता, जिसकी कम होगी या जो लोग 60 से 70 साल से ज़्यादा हैं या जिनको मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है उनको ये स्ट्रेन ज़्यादा घातक होता है। दोस्तों, कोरोना वायरस के ऊपर एक स्पाइक प्रोटीन होता है जो ह्यूमन सेल से कनेक्ट होकर ह्यूमन बॉडी को इन्फेक्टेड करता है, और जो इसका जो इन्फेक्शन रेट है वो बॉडी टू बॉडी, स्टेज टू स्टेज वेरी करता है। किसी पर्सन में इसका इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। तो जो इसका वेरिएशन करने का जो पावर है, कोरोना वायरस का म्यूटेशन करने का पावर है, उसी वजह से इसका जो न्यू स्ट्रेन है वो हमेशा चेंज होता रहता है और इसको पकड़ पाना मुश्किल है। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा COVID-19 वैक्सीन लगवाने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले दोस्तों, जिन लोगों को इस तरह की एलर्जी है, किसी केमिकल से एलर्जी है, फूड से एलर्जी है या पर्टिकुलर किसी मेडिसिन से एलर्जी है, तो वो कोविड वैक्सीन लगवाने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें, क्योंकि कभी कभी नया केमिकल बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाती और बहुत से एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं। और जब भी ये वैक्सीन लगवाएं अपने डॉक्टर सुपरविजन के ही अंडर में लगवाएं। इसके अलावा दोस्तों, जो लोग खून पतला करने की दवा ले रहे हैं तो ऐसे लोग भी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही कोरोना वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि कभी कभी दोस्तों इंजेक्शन लगते समय इंजेक्शन साइट पे एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, दर्द हो सकता है, एब्सेस बन सकती है। तो दोस्तों, ऐसे लोगों को ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही कोरोना की वैक्सीन लगवाना चाहिए। दोस्तों, जिन लोगों को COVID-19 हो चुका है और उनके अंदर एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है, तो वो ऐसा ना समझे कि हम टोटली सेफ हैं, उन लोगों को भी कोरोना वैक्सीन लगवाना चाहिए। उसके लगवाने के कई कारण, सबसे पहले जो कोरोना वायरस का म्यूटेशन है वो इन्फेक्टेड रेट ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, तो आपको दोबारा इन्फेक्शन होने का खतरा है, तो आपको कोरोना वैक्सीन जरूर लगवाना चाहिए। सबसे दूसरी बात दोस्तों, जो एंटीबॉडी बॉडी के अंदर डेवलप हो जाती है कोरोना वायरस के बाद, तो वो जो एंटीबॉडी है वो शरीर में कितने समय तक रहेगी उसका कोई रिसर्च और पक्का प्रमाण नहीं है। तो दोस्तों, आपको COVID-19 वैक्सीन ज़रूर लगवाना चाहिए। तो दोस्तों, आपसे एक इम्पॉर्टेंट मैसेज मैं देना चाहूँगा कि अभी भी कोरोना पूरी तरह से नहीं गया, तो आप जो पहले की तरह आप COVID-19 गाइडलाइंस को फॉलो करें और पहले की तरह हैंड हाइजीन रखें, फेस मास्क का यूज़ करें, क्राउड एरिया से दूर रहें, और आप अपने आप को, अपनी फैमिली को और इस देश को कोरोना मुक्त तभी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जिन लोगों को COVID-19 की फर्स्ट डोज लग चुकी है और फर्स्ट डोज लगने के टाइम पे, उसकी ड्यूरेशन पे यदि उनको कोई एलर्जिक रिएक्शन हुआ था, तो वो डॉक्टर से कंसल्ट या अपने पर्सनल डॉक्टर से कंसल्ट करके ही सेकेंड डोज लगवाएं। इसके अलावा दोस्तों, जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं या लैक्टेशन पे हैं, उनको भी अपने डॉक्टर्स के सलाह के अकॉर्डिंग ही मेडिसिन लगवाना चाहिए। और दोस्तों, जो लोग गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं और लंबे समय से किसी बीमारी का मेडिसिन ले रहे हैं, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही COVID-19 वैक्सीन लगवाएं। इसके अलावा दोस्तों, लविंग सपोर्ट माई यूट्यूब चैनल सो मच।